हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी ब्लॉगर पूजा। तो यहाँ पे मेरी देवरानी बड़ी वाली पूजा कर रही है शंकर भगवान का, क्योंकि इसका व्रत है आज शिवरात्रि का। लेट वीडियो डाल रही हूँ, तो बस यहाँ अभिषेक कर रही है। हम के चलो हो तो कर लो, क्योंकि वहाँ पे गांव में थोड़ा दूर है मंदिर जी, मंदिर तो नहीं जा पाती। यहाँ जहाँ मैं डेली आती हूँ जल चढ़ाने, तो हम बोले चलो तुम भी रुद्राभिषेक अच्छे से पूजा कर लो। तो बस यहाँ पे पूजा कर रही है, हम के आप लोग के पास शेयर कर लो। और पता है हम लोग थोड़ा लेट में आए थे दोपहर को, मतलब 9:30 कुछ ऐसे हो रहा है, एकदम खाली है। जब मैं सुबह आती हूँ 6-7 बजे ना, तो बहुत लाइन लगाना पड़ता है, खाली नहीं रहता, जेंट्स लेडीज सब रहते हैं। तो अभी हम इसीलिए दोपहर नहीं 9:30 बज रहा है, 12 बज रहे हैं। तो फिर यहाँ अच्छे से कर रही है अपना अभिषेक। आप लोग भी देखिए और बोलिए हर हर महादेव। जो नए लोग हैं वही हमेशा करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो पुराने हैं लाइक करिए, नए लोग भी लाइक करिए, कमेंट प्लीज़ कर दिया करिए, हर हर महादेव ही लिख दिया, अच्छा लगता है कमेंट आता है। तो बस बने रहिए, देखिए आगे क्या क्या चीज़ें होती है, और अपना सांस सपोर्ट कीजिएगा। हर हर महादेव। ये देखिए घाट की सीढ़ियाँ हैं। तो ये है मेरे बड़ी मम्मी जी के घर का। यहाँ मेरी दो तीनों नंद है, मतलब ये बड़ी जेठा छोटी जेठानी है, और छोटी दीदी यहाँ बैठी है नंद, बड़ी दीदी कुछ बना रही है फलाहार वगैरह। तो अभी ये मेरी एक और दीदी आएंगी, तो बस यहाँ पे अब हम लोग खा पी के अपने अपने घर जा रहे हैं, बड़ी मम्मी के घर से। ये मेरी सेकेंड नंबर की मम्मी जी है सासू माँ, और मेरी दीदी उनकी मम्मी। तो शीतला माँ का मंदिर है यहाँ पे, तो बोली चलो दर्शन रास्ते में करते जाए, तो दान पेटी में दान दिलाता है दे रही हैं हम के। थोड़ा सा वीडियो देख दिखा दे आप लोग को, रात का टाइम का है ये बनारस का दशाश्वमेध का, जो कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा, हम दीदी से वही बोल रहे थे यार दीदी पहले की चीज़ें अच्छी थी, आपको तो नहीं कहे, हाँ हम लोग को तो नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग जो पहले देखे थे न्यू ने अच्छा, हाँ पर अब की जनरेशन को शायद अच्छा लगे। ये मेरी दोनों दीदी हैं, बड़ी दीदी अपने घर गए, देवरानी है हंस रही है बड़ी वाली। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे वीडियो को, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जय माता को, क्योंकि हम लोग लस्सी खाते हुए गोलगप्पा, लस्सी पीते हुए गोलगप्पा खाते हुए अपने अपने घर जाएंगे, और फिर मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हम नहीं बनाते। दीदी बोलते चढ़ के मोबाइल, चलिए बातें करते हुए हम के ठीक। तो बस यही हम लोग का चल रहा था मानव भावी का।
चलिए गुड़प्पा, तो यहाँ लस्सी हम लोग पी रहे क्योंकि थक गए हम लोग आज। पता है दीदी अपने घर चली गई, मतलब बड़ी मम्मी जी दीदी अपने घर गई, हम लोग अपने घर आ रहे थे, तो रास्ते में मुझे अपनी देवरानी को लस्सी पिलाना था, तो हम कहे चलो लस्सी हम लोग पीते हैं क्योंकि लस्सी मुझे पसंद है, यहाँ का नहीं और जगह का। देखिए रात के टाइम का है ये, लक्षा साइड से जाते हुए हम लोग पैदल ही जा रहे और रात को 10 बज रहा है, तो हम लोग हंसते हुए चले जा रहे थे, ऑटो भी नहीं किए बाकी पैदल ही गए। अच्छा पर घर जाने के बाद बहन बस्ती पैर दुखने लगता है, ज़्यादा दूर नहीं था पर आदत छूट जाती है ना, हमको लग रहा है मेरे जो गांव मायके का घर मार्केट इतने दूर होगा, तो ठीक है साथ में कोई रहता है तो अच्छा हो जाता है, तो ऐसे ही हम हस्बैंड साथ ही आते हैं मार्केटिंग करने। अभी तो रात के समय ट्रैफिक कम है, बहुत भयंकर रहती है ट्रैफिक, ये लक्षा है चौराहा, लक्षा चौराहा है, बस इसी गली में हम निकलेंगे अपने घर के साइड, एक पुलिस चौकी है लक्षा के पास, इधर ही दीना चाट है, मुंगा चाट क्या नाम, ये देखिए ये कौड़िया हॉस्पिटल है, रामकृष्ण हॉस्पिटल जिसको कौड़िया हॉस्पिटल बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया, तो बस इसके आगे मेरे गली में घुसेंगे। तो चलिए सुबह का टाइम है नेक्स्ट डे का, क्योंकि थक गए थे आगे वीडियो नहीं बना, तो देखिए मैं अपनी देवरानी को ले आई हूँ खिलाने के, क्योंकि कल उसको सुबह ट्रेन है, जाना है 10 बजे का, हम कहे चलो आज हम लोग खा पी लेते हैं, तुमको बनारस का चाट गोलगप्पा वगैरह खिला दे, क्योंकि अब देखो कब आती हो, क्योंकि वो वहाँ रहती है ना कटनी एमपी में रहती है, हम यहाँ बनारस में, तो ये विश्वनाथ गली हम लोग घूस रहे हैं जहाँ पर मेरा फेवरेट गोलगप्पा वाला है, केसरी होटल है ना उसके आगे टेढ़ी मुंह गोलगप्पा वाले, वहीं पर मैं बीमार होती ना तो मैं उसी को याद करती, गोलगप्पे वाला वही उसी का गुल, कहीं का कितना भी खाऊंगी पर मुझे उसी का है पसंद है। तो हो गया, चलिए बने रहिए देखते रहिए आज वीडियो को, और बोलिए हरे माता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम आए हैं अपनी देवरानी को लेके गोलगप्पा खाने, क्योंकि मेरा फेवरेट जगह है, मैं कहीं का खाऊं जब से यहाँ का नहीं खाती मेरा पेट ही नहीं भरता। हमको वाले झुमकी चाहिए, बारिश हो रहा है ना उसकी, उसके साथ ले लो तो, अरे बहुत पतला है, सूट वूट के साथ अच्छा लगेगा पटियाला, देखियो हम लोग लेडीज लोग प्रॉब्लम आते हैं क्या, इधर आते हैं क्या लेने लेने क्या लगते हैं, आए थे पेट पूजा करने पर देखने लगे कुछ कम, ऊपर सोचो दुपट्टा मेरा, चलिए पहले गोलगप्पा खाने फिर आप लोग को मिलते हैं। चाट भी खाओगे? मटर हाँ, मेरा दो प्लेट बना लेंगे, मटर काटो उठाना बाबू, हाँ तुम्हारा जोर रहेगा ना, खा ले दीजिए हम लोग, देखो लालची खड़ी है, आज खाएगी बनारसी चाट, तुम खाओ नहीं तुम नजर आ दोगे, खाओ खाओ मुंह में लो या